सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, रेड वुड सर्वाइवल का। और गाइस, आप मेरे भाई वॉइस में जो है ना खुशी देख सकते हो। खुशी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना भाई, यहाँ पे हमारा सबसे प्यारा राम दुलारा एक डायनो जो है ना, वो मेरे बेस के काफी ज्यादा नजदीक आके जो ना अपने बेस की तरफ ऐसे घोले फेंक रहा था भाई। ठीक है, वो डायनो कौन सा है भाई, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गाइस, जो भी नए बंदे यार अपने चैनल पे जो है अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, हमारा जो गोल है यहाँ पे गाइस, ज्यादा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है, बस इतू सा भाई, इतू सा 100 मिलियन सब्सक्राइबर का गोल है भाई। आपको बताइए, मैंने आगे का गोल जो है ना वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन 100 के अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी नए भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जितने जाएंगे उतने ले दे भाई। गोल भाई अभी तक डिसाइड नहीं करा है, तो पता नहीं भाई। ठीक है, तो जितने हो रहे भाई ओन दो भाई। ठीक है, ओन दो, अपन को बस 100 के पहुंचना था, अपन पहुंच गए, अभी अपन खुश है भाई। अभी सीधा अपन को 100 मिलियन पहुंचना है, तो भाई अपना 100 मिलियन का गोल फटाक से कंप्लीट कर दो गाइज। एंड गाइज, यहाँ पे जो ना नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना गेमिंग विद आने के चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने उनके चैनल को चेकआउट नहीं करा है तो फटाफट जाकर चेकआउट कर लेना गाइज, क्योंकि 50,000 के काफी ज्यादा नजदीक है गेमिंग विद आने। मेरे हिसाब से 2000 सब्सक्राइबर दूर है बस, तो जाके फटाक से कंप्लीट करके आ जाना। और उनके चैनल पे जो है ना टेडन टेडन एक खतरनाक सी सीरीज चालू होने वाली है, कतई ज्यादा ओपी सी, एक ओपी एकदम सुपर से भी ऊपर वाली सीरीज चालू होने वाली, तो जाके जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई। ठीक है, तो गाइज चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अपने बेस के ऊपर जो है ना गोले कौन फेंक रहा था। मैं रेडवुड में आया, मैं भाई वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था, मतलब मैं इधर उधर ऐसा देख रहा था भाई, थोड़ा सा हीलिंग बिलिंग कर रहा था, तभी भाई सामने से उड़ते हुए गोला आया ब्लू कलर का। अभी आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ गाइज। यहाँ पे जो है ना आ चुका है हमारा प्यारा सिलेस्टियल फिरॉक्स। यस गाइज, आपको पता ही है गाइज कि सिलेस्टियल और फिरॉक्स जो है ना भाई यहाँ पे प्राइमल फियर मोड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डैमेज देने वाला डायनो होता है, सबसे हाईएस्ट डैमेज 1 बिलियन डैमेज जाता है, 1 बिलियन। ठीक है, प्राइमल फेयर में किसी का उतना डैमेज नहीं जाता जितना सिलेस्टियल का जाता है फिरॉक्स का भाई। तो यहाँ पे आज के इस एपिसोड में बॉस फाइट तो करने वाले, बॉस ऐसा ऐसा प्रणाम करेगा घुटने अपने अपने आगे घुटने भाई टेक के, ऐसा भाई हमारी माफी मांगेगा भाई रेडवुड में आने के लिए भाई, बोलेगा मैं भाई मेरे से गलती होगी, मैं रेडवुड में भाई गलती से आ गया और चला जाएगा, ये तो मेरे को पता है। लेकिन वो वाली फाइट अपन अगले एपिसोड में लेने वाले भाई। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि अपन जीतने वाले रहे, तो इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। तो अभी क्या करने वाले अपन, अभी जाके जो है ना अपन उस खतरनाक से 1 बिलियन, अभी इसका 1 बिलियन डैमेज आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन भाई 1 बिलियन डैमेज देने वाला जो फिरॉक्स होता है ना उसको अभी यहाँ पे टेम करने वाले। वैसे अगर मेरे पास नॉक्सिस ग्रिफिन नहीं होता ना तो मैं इसको टेम करने के बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए अपने पास नॉक्सिस ग्रिफिन है तो उतना ज्यादा अपन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से उसको नॉकआउट करने में भाई। ठीक है, मैंने उसको यहीं पे कहीं पे आजू बाजू देखा था भाई। ठीक है, मैं इधर ही कहीं पे उसको लेके आइए रहा भाई, ये देख रहे हो मैं इसको यहाँ पे लेके आया था, मेरे बेस के काफी नजदीक था, मैंने सोचा एक अरे अरे बेटा हेलो उड़ 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 अबे तेरी तो मैं बस गोले फेंकता है बेस क्या गोले फेंकता है, हैं लाड में आ रहा है भाई, गोले फेंकता है, बोलो बोलो क्या, अभी भाग रहा है ना, अभी भाग रहा है ना, अभी कैसा लाइन पे आ गया भाई, लाड में गोले फेंक रहा था भाई। रुक जाओ भाई, इसको टेम किधर गया, अरे ये रहा भाई, मैं बोला भाई कहाँ पे गायब हो गए बेटे, चल फट से शॉट पावर डाउन और ये डायरेक्टली सिलेस्टियल फिरॉक्स डाउन भाई। देख रहे हो ये ग्रिफिन मैंने क्यों टेम करा था, आपको अब भी समझ में आ रहा है गाइस, है ना एकदम डेंजरस भाई। वेपन को इसके रहते हुए भाई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, ये सारे डायनोस को यहाँ पे नॉकआउट कर सकता है भाई। रुक जाओ भाई, इसका टेमिंग इफेक्टिवनेस इससे पहले कि डाउन हो जाए ना, अपन यहाँ पे इसको जो है ना टेमल पर बीमल पर खिला देते हैं भाई, वहाँ पे मेरे को एक डोडो दिखाई दे रहा भाई। ठीक है, हो गया भाई, हो गया काम, 25 हो गया भाई मेरे भाई, ये दे दे वापस से भाई किबल बिबल वरना खा जाएगा भाई। तो गाइज एक सेकंड के अंदर भाई आपने रेडवुड में मेरे को इससे पहले कभी भाई वीडियो के अराउंड 1 मिनट के अंदर भाई कोई डायनो को टेम करते हुए देखा है भाई, किसी भी भाई रेडवुड सर्वाइवल के वीडियो में नहीं ना भाई। इसे बोलते हैं भाई अपने नॉक्सिस ग्रिफिन का कमाल भाई, 1 मिनट के अंदर यहाँ पे सिलेस्टियल फिरॉक्स डाउन सीधा भाई। अगर ये पे कोई मेगा सीरियम होता ना तो अभी तक 2-3 बार में मर भी गया होता, अभी थोड़ा सा भाई ऐसा ईजी होने लग गया है भाई अपन के लिए रेडवुड सर्वाइवल का। ठीक है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहा, रुक जाओ गेम का जो ना थोड़ा सा कम मार कर देता भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी का आवाज काफी ज्यादा आ रहा है भाई। ठीक है, फिलहाल ले गाइस ये जो हमारा फिरॉक्स वहाँ है ना वो लगभग 400 के का यहाँ पे डैमेज दे रहा है, ये देख रहे हो अरे जाना रे बाबा, 100 के 400 के नहीं 100 के। अच्छा, इसकी जब स्पीड पकड़ती है तब ये ज्यादा डैमेज देता है ना,
ये देखो 400 के स्पीड पकड़ने के बाद डैमेज दे रहा है ठीक है ले बेटे आय हाय 80,000 ऐसे डैमेज दे रहा एंड ये वाला डैमेज कितना दे रहा भाई गोले का वो भाई दिखाई भी नहीं दे रहा कितना दे रहा 27 million है क्या ये 1000 है 1000 है अच्छा 27,000 डैमेज दे रहा है इतना कम काय को दे रहा है बाबा तू इतना कम डैमेज कौन है भाई कौन है हेलो बंदर बंदर अबे ये क्या रे कैसा रे बाबा कैसे अपन दोनों भाई भाई ना भाई मार क्यों रहा है भाई अपने भाई को मारेगा तू अपने भाई को मारेगा अच्छा गोले फेंकेगा अच्छा बेटा ले झापड़ चल एक झापड़ ले भाई रुक जा एक झापड़ देता है इसको ले चल खत्म ले बेटे अच्छा एक झापड़ से काम नहीं चलेगा ले चल भाई 3-4 झापड़ खा ले भाई चल खत्म भाई अपन को मार ही नहीं पाएगा भाई ये लूट बॉस है भाई लूट बॉस अपने सामने ऐसा बच्चा है रे देखो भाई ये देखो मूर्ख बालक एक बम फेंक एक बम खत्म भाई बम तो उधर लग गया भाई मेरे ऊपर ही नहीं लगा भाई हाँ आ जाओ इधर आओ ले भाई इनके ऊपर एक बम फेंकता भाई ठीक है ले बेटे चल चींटियां देख रहे हो कैसे भाग रही है भाई डर गई है भाई मेरे से चींटियां डर गई भाई अच्छा डरी नहीं अच्छा डर गई भाग रही है सारी चींटियां भाई ठीक है चलो आ जाओ इसको जो है ना मैक्स लोल करने का टाइम हो चुका है भाई ठीक है रुक जाओ थोड़ा सा सेफ जगह पे जाता हूँ पता चला कोई खतरनाक सा डायनो आया भाई इसकी हेल्थ कब सबसे कम होगी तब भाई छुके गया और भाई मर गया ये डायनो भाई ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए भाई ठीक है रुक जाओ एक काम कर लेता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मेरे पहले इन्वेंटरी में ले लेता एंड इसको मैक्स लेवल का करके गाइस जो है ना अपन रेडवुड में थोड़ी सी तबाही मचा डालते अगले एपिसोड में इसको यूज करूँ क्या मैं मर जाएगा ना फोकट में गाइस रेंदो रिस्क नहीं लेना भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना भाई 809 लेवल का है भाई कितने लेवल का चला जाएगा भाई 899 लेवल का जाएगा भाई 899 लगभग 900 लेवल समझ लो गाइस ठीक है हेर वी गो भाई हेल्थ में ज़्यादा पॉइंट नहीं डालने अपन को भाई ठीक है फिर भी डालने तो पड़ेंगे ना यार लगभग ओके ठीक है 1 billion हेल्थ और 49 पॉइंट जो होंगे ना भाई अपन यहाँ पे 49 पॉइंट इसके डाल देंगे डायरेक्टली डैमेज में भाई ठीक है वेट बीट में स्टैमिना बीमिना में कुछ भी नहीं डालना डायरेक्टली मिली डैमेज में 49 पॉइंट्स डायरेक्टली भाई ठीक है ऑल राइट लगभग भाई हाफ से भी ज़्यादा पॉइंट जो है ना इसके डैमेज में डाले हैं मैंने भाई ओ 97 हो गया मेरे को लगा 99 होगा भाई ठीक है चलो कोई ना ले बेटे चल ले भाई जल्दी खा ले भाई 1 billion हेल्थ हो गया ना शायद इसका शायद भाई रुक जाओ मैं चेकआउट कर लेता हूँ इसको पहले खिलाता हूँ उसके बाद अपन अंदर चल के जो ना थोड़ा सा बॉस को देख के आए क्या बॉस को थोड़ा सा ऐसे बॉस के ऊपर ऐसा नज़र डाल के आए क्या 1 billion हेल्थ है अरे डरते क्या भेज के ले बेटे पक लाडू बस 13 million बस मजाक कर रहा भाई स्पीड बढ़ा चल अरे भाई रेडवुड में जो ना इसका अटैक किसी काम का नहीं 26 million ओके काफ़ी बढ़िया थोड़ा सा तो बढ़ गया 1 billion डैमेज देखा क्या अच्छा 13 million ही दे रहा भाई रुक जाओ ले बेटा बम डाल बम कितना जा रहा भाई 9 million ओ 27 million जा रहा भाई ठीक है ये देखो गाँव बसा नहीं कि भाई भिखारी हाजिर भाई मरने के लिए भाई डाउन सीधा रुक जाओ मैं देखता है इसका 1 billion डैमेज जा पाता है कि नहीं भाई अगर गया ना तो बॉस के सामने से दौड़ के जाएगा एक पप्पी देगा मुझे बॉस की हेल्थ तो भाई 100 billion है भाई वो मेरे को ऐसे मार देगा खड़े भाई अबे यार रेडवुड में भाई मेरे को स्पीड ही नहीं मिल रही यार 57 million नाइस नॉट दैट बैड एक्चुअली भाई ठीक है रुक जाओ ले बेटे इसका कितना जाएगा इसका ज़्यादा जाएगा मेरे हिसाब से भाई कितना गया 4 million ओनली भाई ज़्यादा डैमेज नहीं जा रहा गाइस इस फिरॉक्स का रेडवुड में शायद उसका डैमेज जो है ना भाई उतना ज़्यादा नहीं जा पा रहा है गाइस ठीक है ले बेटे कितना देगा 26 ओके 26 million फिलहाल के तो 50 million तक जा चुका है भाई उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता जा पाएगा ये कौन है स्पिरिट डायनो को आजू बाजू गाइस पक्का स्पिरिट डायनो को आजू बाजू है भाई ले बेटा मरना अच्छा स्पिरिट डायनो नहीं है तो फिर इसके ऊपर वो स्पिरिट वाला है बफ क्यों लिख के आ रहा भाई ए भाई ए भाई कितने लेवल का है 380 लेवल का स्पिरिट था लोगो गाइस देख रहे हो भाई साहब वो देखो भाई तभी मैं बोलूँ भाई आजू बाजू कोई ना कोई तो स्पिरिट डायनो है भाई अच्छा वो एकदम नीचे नहीं गया भाई उसके वरना डायरेक्टली मेरा गेम बच जाता भाई आज ये फिरॉक्स का जो ना आखिरी दिन होता भाई अच्छा उसके अंदर नहीं गया भाई क्या बोलते हो गाइस बॉस फाइट लेने से पहले उसको टेम कर ले क्योंकि बॉस फाइट तो जीतने वाला है ना तुम्हारा भाई गाइस
क्या बोलती पब्लिक, बॉस फाइट तो जीतने वाला है भाई, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई ने भगवान को टेम करा है भाई, भगवान को टेम किया है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि स्पिरिट वाला जो अपना थाइलो कोलियो है ना भाई, उसको भी टेम मार दो भाई, ठीक है। और अपने पास तो ग्रिफिन है ही भाई। वो ऑटर है, कंधे पे लेने वाला ऑटर है क्या? एल्डर ऑटर है, इसके ऊपर तो मैं बैठ पाऊंगा। रिंग दो भाई, मेरे को कंधे पे लेने वाला ऑटर चाहिए था भाई, एल्डर बिल्डर ऑटर नहीं मांगता मेरे को। ठीक है, रुक जाओ, ले बैठे ले बैठे। डैमेज का थोड़ा सा परीक्षण यहाँ पे करते भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंक फेंक के भाई। ओके भाई, खतरनाक यार, सब सच में यार न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही लगते हैं भाई इसके फटके। ओके, और कौन मारने लग गया? चोर भाई, चोरों जाओ रे जाओ रे। थोड़ा सा बॉस को भाई देख के आया जाएगा इस वहाँ पे, क्या कर रहा है देख के आते हैं ना गाइस। क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? लेट्स गो लेट्स गो। मेरे को भाई 1519, मेरे को ऐसा किसी ने बोला था, अगर आप स्पीड में दौड़ के इसका एक अटैक, मतलब वो न्यूक्लियर पावर वाला अटैक अगर दोगे ना, तो भी जो है ना इसका डैमेज जो है ना उस अटैक का बढ़ जाता है भाई। एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ, वो मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है ना परफेक्टली लग नहीं रहा भाई। ओके, नहीं लग रहा भाई, देख रहे हो 11,000, वो एग्जैक्ट पढ़ नहीं रहा भाई, एग्जैक्ट पढ़ नहीं रहा किसी डायनो के ऊपर भाई। लाइक दिशा भाई, पढ़ पढ़ जा पीटी के ऊपर ना भाई, उतना ही दे रहा है तो, उल्टा कम दे रहा है। अगर खड़े खड़े अटैक दूँ तो 27 मिलियन तक जा रहा है भाई। देखो देखो ये देखो भाई, इसका डैमेज है देखो भाई, 22 मिलियन पे जा रहा है भाई, अगर खड़े खड़े देते तो। और अगर इसे स्पीड में देते ना एक्स वाला अटैक, तो थोड़ा सा कम जा रहा है मेरे हिसाब से जो है ना भाई, वो कभी कभार ही होता है भाई, ठीक है। एक बार एकदम एक्सा परफेक्ट लगना चाहिए, तभी उसका डैमेज जो है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जाता है भाई। ओके, फिलहाल ले फिरॉक जो है ना भाई, वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा है भाई, ठीक है। मैंने सोचा था 1 बिलियन डैमेज दे पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 1 बिलियन डैमेज बिल्कुल भी नहीं दे रहा भाई, बिल्कुल नहीं दे रहा भाई, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ना भाई तेजी से फिरॉक्स काफ़ी काम आ सकता है। प्लस जो है ना सिलेस्टियल है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पे भाई बारिश भी होने वाला है ऐसा लग रहा है मेरे को। चल 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 चल, स्पीड पकड़ पकड़ स्पीड पकड़ स्पीड पकड़ स्पीड। कोई डायनो है क्या यहाँ पे? अबे यार कोई डायनो होता काश, उसके ऊपर अटैक देके जो ना टेस्ट कर सकता था मैं भाई। लेकिन स्पीड पकड़ लेता हूँ, लेकिन डायनो कोई आजू बाजू नहीं होता है। देखो भाई देखो, स्पीड पकड़ ली लेकिन आजू बाजू कोई डायनो ही नहीं है भाई। किसके ऊपर ट्राई मारूँ? हाँ स्पिरिट के ऊपर जाके ट्राई मार। 44 मिलियन ही जा रहा है गाइस, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा भाई। मैं इसको टेम करेगा भाई, मैं इसको पक्का टेम करेगा, 100% टेम करेगा भाई। अगले एपिसोड में ये भाई स्पिरिट वाला डायनो ना वो अपना ही छोएंगा भाई। मैं फिलहाल के लिए जो ना भाई ओरिजिन ब्रिजन देख रहा हूँ कि इसके सामने कितना टिक पाते सिलेस्टियल के सामने। देखो भाई बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड भाई, ठीक है। वो भाई जो क्या बोलते हैं उसको, रिपर बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। उसको पता है कि उसकी पेटी बनेगी वहाँ पे, स्पिरिट है ना, थोड़ा सा घूम के चल भाई, ठीक है। ओके लेट्स गो भाई। डिमोनिक और ओरिजिन जो है ना भाई, मेरे हिसाब से रेडवुड से विलुप्त हो चुके हैं भाई, दिखाई नहीं देते भाई कितना भी ढूंढा। अरे पीटी निकलना रे बाबा, ऐसा भाई बीच में नहीं आने का रे, अपन डायरेक्टली पट्टे से हेडशॉट दे के भाई पेलम पाल दे देता है बाबा। ओके ओ भाई कोई तो मिला, अरे ये तो भाई अपना डिफेंस यूनिट है भाई। यहाँ पे तो बॉस था, आगे नहीं जाना, ये पहाड़ी क्रॉस मत करना, सीधा बॉस के पास पहुंच जाओगे। अरे बम पे गोलियां मार रहा है तेरी तो, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? फीमेल या मेल रहे तू? तू फीमेल या मेल है ये बता पहले भाई। अच्छा मेल है, मेल के बम पे गोलियां मारता बेच क्या? ओके सिलेस्टियल, अरे बेटा रुके जा, कहाँ पे जा रहा है? अबे सिलेस्टियल थाइलो है वो, नॉर्मल थाइलो नहीं है। कल्टी मार कल्टी मार कल्टी मार कल्टी मार भाई। सिलेस्टियल थाइलो के मुँह के सामने से आ गया, लेकिन उसने कुछ करा ही नहीं। ये भी सही है भाई, लग रहा है सिलेस्टियल भाई भाई है भाई, ठीक है। चलो गाइस, अपन एक फिरॉक्स तो टेम कर लिया, क्योंकि मेरे को चाहिए था भाई, क्योंकि मैं सोच रहा था ये सीरीज जो है ना वो खत्म करने से पहले भाई एक दो डायनो टेम करके ही खत्म कर ले। तो वैसे ही जो है ना भाई, अगले एपिसोड में भी अपन एक स्पिरिट वाला डायनो टेम करेंगे, वो थाइलो कोलियो, एंड उसके बाद जो है ना आखिर वाला एपिसोड यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जिसमें जो बॉस है ना ऐसे मेरे सामने ना ऐसा गिड़गिड़ा के माफी मांगेगा भाई, माफी भाई। देख लेना भाई अगला एपिसोड, अगला नहीं भाई लास्ट वाला एपिसोड, यस गाइस लास्ट वाला जो एपिसोड है ना शायद शाम तक आ जाएगा। एंड अगर उसमें वो बॉस मरा ना, अगर नहीं मरेगा भाई शाम तक, रेडवुड सर्वाइवल खत्म, फिर आप आई एम द किंग ऑफ द जंगल गाइस डायरेक्टली भाई, ठीक है। ये जंप देख रहे हो, एक साइड से दूसरे साइड आ गया भाई रेडवुड के भाई, क्या ही जंप है भाई इस थाइलो की, थाइलो की नहीं सॉरी फिरॉक्स की भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक भाई, ठीक है। तो गाइस आज का जो एपिसोड है हमारा रेडवुड सर्वाइवल का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में जो ना अपन स्पिरिट को टेम करने वाले भाई, तो जरूर देखना भाई, अपन मर भी सकते हैं या फिर टेम भी कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज होगी। तो अगला एपिसोड जरूर देख लेना गाइज। तो मिलते हैं गाइज सबसे अगले एपिसोड में गाइज, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के, रेडवुड सर्वाइवल के, तब तक के लिए बाय। एंड गाइज ये हमारा शेर जो है ना, आई गुस्सेल आंखों वाला ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती है मेनू भाई, देख रहे हो देख रहे हो। ये वाला अगर आपको फिरॉक्स भाई पसंद आया होगा ना, तो इस वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कैसे लगा भाई यार, कैसे लगा फिरॉक्स भाई, ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना भाई। कैसे झाड़ू में से एक सब एकदम राक्षस की तरह निकल रहा है भाई, देख रहे हो, खतरनाक भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up.